हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजी के। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है टॉप 50 जनरल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और आज हम लोग जो है फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है वो जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए जो है एक इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप जो हैं ICAR JRF फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री सिविकल्चर कोर्स जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप स्क्रीन पर दिया हमारा ये कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। इसमें जो है आपको आपकी एग्ज़ाम के अनुसार जो है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और ये जो है यहाँ पर आपको टॉपिक्स वाइज आपको जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको जो है आपकी नोट्स जो है वो डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएंगे, प्लस आपको उन पर जो है वो वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको इस कोर्स में जो है टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी और क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा बार एक्सपर्ट फैकल्टी। तो आप जल्दी से जल्दी जो है ये कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं, और इस कोर्स की प्राइस जो है वो सिर्फ 3000 रुपीज़ ऑनली है। और ये जो कोर्स है ये हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर एनजी के, वहाँ पर अवेलेबल है। या फिर आप जो है ये कोर्स जो है जो हमारी वेबसाइट है agriculturegk.in, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इन फॉरेस्ट द स्टैंडर्ड कलर गिवन फॉर द रीजनरेशन स्टेटस एक्सेलेंट 80 to 100% ईज। तो यहाँ पर जो है कौन सा कलर दिया जाता है रीजनरेशन के लिए, तो वो है ग्रीन। उसके बाद क्या पूछा गया है, इन फॉरेस्ट द स्टैंडर्ड कलर गिवन फॉर द रीजनरेशन स्टेटस डिफिशियंट, यानी ग्रीन कलर ये एक्सेलेंट के लिए दिया जाता है और डिफिशियंट के लिए क्या दिया जाता है जो कि 0 to 20% होता है, तो उसे जो है वो ब्लैक कलर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, यानी ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये 1971 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये जो है ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1971 में बाय यूनेस्को, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था फॉर साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी लोगों और जो है एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इज पॉसिबल बाय IFA 1927 अंडर सेक्शन, यानी राखीव जंगल जो है ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के जो है किस सेक्शन के अंडर आता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर है B 3 to 27 जो है सेक्शन के अंदर जो है ये एक्ट आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कंटेन, यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कितने सेक्शंस हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जो है वो 13 जो है वो चैप्टर्स है, और 13 चैप्टर्स में जो है वो 86 जो है वो सेक्शंस हैं। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर अंडर फॉरेस्ट एक्ट ऑफ, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो किस एक्ट के थ्रू जो है वो डिक्लेयर किया गया है, तो वो है 1927। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 हैज़ कंटेन, तो अभी हमने देखा कि 86 जो है वो सेक्शंस हैं 13 चैप्टर्स के अंतर्गत। ये 8 MCQ देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर द चेयर टाइप ट्रीज जनरली नोटिस, यानी चेयर टाइप जो ट्रीज होती है वो जनरली जो है वो कौन से फॉरेस्ट में होते हैं, तो वो टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। चेयर टाइप ट्रीज मतलब वो जो रेजिन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वो प्लांट होते हैं, वो ट्रीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द, यानी सोशल फॉरेस्ट्री ये जो प्रोग्राम है ये नीचे दिए गए में से कौन से प्लान में जो है वो लॉन्च किया गया था ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये 5th 5-year प्लान में जो है वो लॉन्च किया गया था। ये जो है सोशल फॉरेस्ट्री ये क्लास 10 में आता है, और 1974 to 1978 के बीच में जो है ये 5th 5-year प्लान में जो है वो लॉन्च किया गया बाय DP धार सर से, और जो है ये 3 years प्लान एक्शन प्लान में जो है अब रिप्लेस हो चुका है 2021 में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एनुअल फिलिंग एरियाज इज अदरवाइज कॉल्ड, यानी एनुअल फिलिंग एरियाज को जो है इसके अलावा क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है. इसका आंसर है कॉप. तो एनुअल फिलिंग एरिया को जो है अदरवाइज कॉप कहा जाता है. फिलिंग एरियाज मतलब कि ये वो एरियाज हो जाते हैं फॉरेस्ट के जहाँ पर जो है कट किए जाते हैं ट्रीज. फेलिंग का मतलब होता है कटिंग द ट्रीज. तो एनुअल कटिंग जो होती है ट्रीज की जिस एरिया में, उसे जो है वो कॉप कहते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द मेन टेरिस्टोरियल डिवीजन ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड, यानी टेरिस्टोरियल डिवीजन मतलब जो कि सी के पास है ऐसा फॉरेस्ट एरिया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ब्लॉक कहते हैं. नेक्स्ट क्या बोला गया है, वर्किंग प्लान एम्ड फॉर, यानी वर्किंग प्लान ये किसके लिए जो है वो स्पेशली बनाया गया है, तो ये सस्टेन इल के लिए जो है वो स्पेशली बनाया गया है. वर्किंग प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वुड प्रोडक्शन और जो है रेगुलेशन, सिल्वीकल्चर और जो टेंडिंग एक्टिविटीज़ होती है इनकी अरेंजमेंट जो है इस वर्किंग प्लान में जो है वो बताई जाती है. फॉरेस्ट में जो है ये जो है ये सस्टेन इल के लिए जो है यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो टिम्बर प्रोडक्शन होता है उसके लिए. नेक्स्ट क्या बोला गया है, डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस इज रेफर्ड एज, यानी डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस ये जो है ये किसका नाम है, ये मेल बाम्बू प्लांट का नाम है और इसे जो है वो कलकत्ता बाम्बू प्लांट भी कहा जाता है. और ये सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल स्पीसीज है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में नेटिव हैं और ये रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है पेपर मिल्स में. नेक्स्ट क्या बोला गया है, द वैलेरियन ऑयल इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो वैलेरियन ऑयल ये जो है ये रूट्स से मिलता है. ये जो है रूट्स का जो है वो जो है ऑयल जो है वो निकाला जाता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू. नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंडियन कॉपल ट्रीज, यानी इंडियन कॉपल ट्री कौन सा है, तो वो है विटेरिया इंडिका, इसी हिंदी में जो है वो वाइट नंबर कहते हैं. नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ मेनी बाम्बू स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, तो वो है 136 स्पीसीज जो है वो बाम्बू की इंडिया में फाउंड किए जाते हैं और जो है 23 जेनेरा जो है वो फाउंड किया जाता है बाम्बू स्पीसीज भी. और 13.96 मिलियन टन सेक्टर्स में जो है हमारी इंडिया में जो है वो बाम्बू प्लांटेशन है और इंडिया ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कल्टिवेशन है बाम्बू प्लांटेशन का. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सलाई गम इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो सलाई गम जो है वो किस से मिलता है, तो ये मिलता है बोसवेलिया सेराटा. बोसवेलिया सेराटा ये एक गम रेजिंस प्लांट है जिसमें जो है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है जो कि रूमेनाइट अर्थराइट्स के लिए वगैरह यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट क्या बोला गया है, द रेगुलर टैपिंग रेजिन ट्री, यानी हमेशा जो है किस ट्री से रेजिन निकलता है, तो वो है फीनस रॉक्सी बुर्गी. फीनस रॉक्सी बुर्गी ये जो है ये चायर पान या फिर जो है इसे जो है एक रेजिन प्लांट कहेंगे जो कि एक लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन ट्री है और ये नेटिव है हिमालय में. हमें जो वुड्स वगैरह लग जाते हैं या फिर जो है ट्रीज जो है वो ट्री का कौन सा पार्ट अगर डैमेज हो गया या फिर इन्फेक्टेड हो गया है उसके लिए वगैरह यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्या बोला गया है, फेलिंग साइकिल ऑफ बाम्बू इज, तो बाम्बू की जो है वो फेलिंग साइकिल कितने ईयर्स की होती है, तो वो 3 to 4 ईयर्स की होती है. नेक्स्ट क्या बोला गया है, गोल्डन एंड येल्लो बाम्बू इज, गोल्डन और येल्लो बाम्बू किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है. तो इसका आंसर है बाम्बूजा वल्गैरिस. बाम्बूजा वल्गैरिस ये जो है ये नेटिव है इंडो चाइना का. नेक्स्ट क्या बोला गया है, मोस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर क्रिकेट बैट, यानी क्रिकेट बैट के लिए जो है इनमें से जो है कौन सा वुड जो है प्लांट का यूज़ किया जाता है, तो वो है सैलिक्स अल्बा. सैलिक्स अल्बा जो है ये क्रिकेट बैट के लिए यूज़ किया जाता है. इसे जो है वो विलो प्लांट कहते हैं. तो दो विलो प्लांट है, एक इंडियन विलो प्लांट और एक जो है वो इंग्लिश विलो प्लांट. इंग्लिश विलो प्लांट ये जो है ये इंग्लैंड में पाया जाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लीडिंग कंट्री इन ग्रोइंग सॉफ्टवुड लंबर इन द वर्ल्ड इज, यानी जो है वो कौन सी कंट्री है जो सॉफ्टवुड लंबर बनाने में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अग्रेसर है, तो वो है केनिया. केनिया में जो है वो सॉफ्टवुड लंबर जो है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है. सॉफ्टवुड लंबर से जो है वो फर्नीचर बनाया जाता है और पेपर बनाया जाता है. नेक्स्ट क्या बोला गया है, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एक्स हैंडल इज, तो एक्स हैंडल स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, तो वो है 90 सेंटीमीटर.
और स्नैग इज तो स्नैग मतलब क्या होता है ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो स्नैग मतलब क्या होता है, एक स्टैंडिंग डेड ट्री होता है फॉरेस्ट में, उसे जो है वो स्नैग कहते हैं, जिसमें ब्रांचेस वगैरह कुछ नहीं रहती हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सेलिंग स्टैंडिंग टिम्बर इज कॉल्ड, यानी जो है जंगल में या फिर कहीं अगर टिम्बर का प्लांट होगा उसे जो है बिना कट की ही जो है लैंड के साथ जो है जो लैंड से जुड़ा है ऐसे प्लांट को सेल करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्योंकि जो है लैंड से जुड़ा हुआ टिम्बर का जो ट्री होता है उसकी जो है वो सेल वैल्यू जो है अलग होती है, और कटा हुआ जो टिम्बर होता है उसकी सेल वैल्यू जो है वो अलग होती है। तो ये जो है ये स्टैंडिंग जब टिम्बर बेचा जाता है तो इसे जो है वो स्टम्पेज सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेशनल न्यूज़पेपर एंड पेपर मिल इस्टेब्लिश है, तो ये कहाँ पर जो है तो ये नेपा नगर में है। नेपा नगर में जो है न्यूज़पेपर की और जो पेपर मिल्स की जो है वो नेपा मिल्स है, और ये स्पेशल ये नेपा नगर ये जो है ये न्यूज़पेपर और पेपर मिल्स इस्टेब्लिश के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये नेपा नगर जो है ये मध्य प्रदेश में है। ब्लैक डैम्बर इज़, तो ब्लैक डैम्बर जो है किसे कहा जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे जो है कैनेरियम स्ट्रिक्टम कहा जाता है। कैनेरियम स्ट्रिक्टम को जो है ब्लैक डैम्बर या फिर जो है हिंदी में इसे जो है वो काली धूप वगैरह कहते हैं, और इसके कई जो है वो मेडिसिनल यूजेस हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द एंडीवेफियस आर अबंडेंट, तो इसका आंसर है ड्राई डेसियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सैपवुड इज रिच इन, तो सैपवुड जो है सबसे ज़्यादा जो है किस में रिच होता है, यानी इसमें मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की होती है, तो वो है स्टार्च। तो जो है फॉरेस्ट के कई ट्रीज में जो है वो सॉफ्टवुड जो है वो प्रेजेंट होता है। सॉफ्टवुड ये क्या है, ये एक जाइलम टिश्यू है जिसमें लिविंग सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है, और स्टार्च क्या करता है ये एनर्जी स्टोर करके रखता है फॉरेस्ट प्लांट्स में। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, तो वो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को जो है वो लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील में प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारी जो है वो रिवर्स प्रेजेंट है, और ये जो है 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर मीटर में है, और ये वर्ल्ड में जो है वो 20% ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करता है, और इसमें जो है बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की पीसीस, प्लांट की पीसीस, मैमल्स की पीसीस जो है वो प्रेजेंट है, और इसमें अराउंड 30% जो है वो वर्ल्ड स्पीसीज प्रेजेंट है, और 10% जो है वो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फूड मटेरियल फॉर टर्माइट इज़, तो टर्माइट के लिए जो है वो फूड मटेरियल कौन सा होता है ये यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि जो है बहुत सारे अगर आप वुड्स में देखेंगे तो टर्माइट्स जो है वो सबसे ज़्यादा अटैक करती है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेलुलोज। जो वुड मटेरियल में जो है जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है मेनली, वही जो है वो टर्माइट्स का जो है वो मेन फूड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो है ये बेंगलोर में प्रेजेंट है, और ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, टाइलोज आर प्रेजेंट ओनली, यानी टाइलोज जो है ये जो है मेनली किस में प्रेजेंट होता है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जो है ये हार्डवुड में जो है वो प्रेजेंट होता है। टाइलोज जो है ये जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ या फिर आउटग्रोथ है पैरेन्चाइमा सेल्स की, जो कि जाइलम वेसल्स में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और ये जो है वुड को जो है वो हार्डवुड डिसीज वगैरह जो है वो कॉज कर सकती है, इसका आंसर हो जाएगा हार्डवुड। और ये जो है ये वास्कुलर टिश्यू को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट फॉर द मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल टिम्बर रेंज बिटवीन, तो
इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 to 20। 12 to 20 जो है पॉइंट जो है वो फाइबर सैचुरेशन होता है ट्रॉपिकल टिम्बर के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिजियोलॉजिकली हार्डवुड इज अ, तो हार्डवुड ये जो है जितने भी वुड प्लांट्स होते हैं उन वुड्स के अंदर जो है ये सेंट्रल जो है वो डेड पार्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा डेड। नेक्स्ट क्या बोला गया है? प्रोटेक्टिंग रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग इंडियाज डायमेंशन फॉरेस्ट इज एम ऑफ, तो ये किसका एम है? ये नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया इनका एम है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट, यानी नीचे दिए गए में से जो है मानसून फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? तो वो जो है वो डेसीडियस फॉरेस्ट को कहा जाता है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज प्रेजेंट होते हैं वो जो है वो मेनली वाटर पर डिपेंड होते हैं और इनकी लीव्स वगैरह जो है वो फॉल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द 3 R's दैट आर यूज्ड टू सेव द एनवायरमेंट विच इंक्लूड फॉरेस्ट? इसका आंसर है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये तीनों आर जो है वो बेसिकली जो है वो फॉरेस्ट्री में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। क्यों? फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है रिड्यूस, तो वेस्ट मैनेजमेंट को जो है हमें रिड्यूस करना है। उसके बाद दिया गया है रीयूज, इसमें क्या है जो भी वेस्ट मटेरियल है जो भी वेस्ट होता है उसे जो है वो रिसाइकल करना, और रिसाइकल करना यानी क्या है यहाँ पर जो है रिसाइकल प्रोसेस में जो है वो पॉपुलेशन का जो है पोल्यूशन का जो है अगर प्रिवेंशन कर सके तो उसके लिए दिया गया है रिसाइकल। नेक्स्ट क्या बोला गया है? टिक स्केलेटोनाइजर बिलोंग्स टू फैमिली। टिक स्टेकिलोटोनाइजर ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो इसकी फैमिली है पायरेलिडाई। ये जो है ये मेनली है इंसेक्ट है टिक ट्री का, और इसे जो है वो टिक डिफॉल्टर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2015? तो 2015 के अनुसार अपने पास जो है वो 88 नेशनल पार्क्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज कैरीड आउट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द एनवायरमेंट? तो यहाँ पर जो चिपको आंदोलन दिया गया है ये मेनली जो है वो फॉरेस्ट और एनवायरमेंट को जो है बचाने के लिए जो है वो किया जाता था। ये जो है ये इसमें जो है ट्री को जो है गले लगाकर जो है ये आंदोलन किया जाता था ताकि जो है जितने भी फॉरेस्ट्रीज है या फिर एनवायरमेंट में जो ट्रीज है उसे जो है वो कटने से बचाया जाए। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री? तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये जो है ये फॉरेस्ट्री की एक ब्रांच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया लैग इज मेनली प्रोड्यूसिंग, तो ये मेनली जो है वो झारखंड में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, और जो है लैग जो है ये झारखंड के पास जो है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ भी जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, और पालस, बेर और कुसुम ये जो है ये मेन जो है वो लैग पोस्ट के ट्रीज हैं, और ये जो है टॉयज बनाने में, ब्रेसलेट बनाने में, सीलिंग वैक्स बनाने के लिए, बेंगल्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? स्पाइक इज़ अ कॉमन डिसीज ऑफ, तो ये स्पाइक ये जो है ये किसका डिसीज है ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ये जो है ये सैंडलवुड का जो है एक डिसीज है, और ये जो है ये फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है, और इसमें जो लीव्स होते हैं उनका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कॉजेस ऑफ हार्ट रॉड एंड डच एल्म डिसीज इज, तो जो हार्ट रॉड और डच जो डिसीज होता है वो जो है किसकी वजह से होता है? तो ये जो है कि मेनली जो है वो फंगस के वजह से जो है वो होता है। इसकी वजह से जो भी फॉरेस्ट में जो वुड ट्रीज होते हैं उनके अंदर जो है एक जो है वो गड्ढा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? अ फायर विच रन्स थ्रू द टॉप ऑफ द लिविंग ट्री वर्सेस इज कॉल्ड, तो ऐसे फायर को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे फायर को जो है वो क्राउन फायर कहा जाता है। क्राउन फायर में जो है जो भी जो लेंथ होती है टॉप में ट्रीज की वो पूरी तरह से जो है वो जल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉरेस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर,
नीचे दिए गए से जो है फॉरेस्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया है प्रोवाइडिंग मेडिसिनल प्लांट, तो फॉरेस्ट में जो है वो कई मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने देखा कि उसमें जो है कई रेजेंस प्लांट्स होते हैं जो कि रोमेनाइट अर्थेनॉइड्स के लिए, अस्थमा के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में मेंटेनिंग वाटर टेबल। फॉरेस्ट जो है वो जो है वाटर के जो ये होता है रेन वाटर जो होता है उसे मेंटेन करता है। उसके बाद क्या दिया गया है एब्जॉर्बिंग रेन वाटर, जैसे कि मैंने अभी कहा ये जो है रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या दिया गया है क्रिएटिंग फ्लूइड कंडीशन, तो फॉरेस्ट कभी भी जो है वो फ्लूइड कंडीशन जो है वो क्रिएट नहीं करता है। आज हमारे पास जो है फॉरेस्ट की कमी के वजह से जो है हमें फ्लूइड कंडीशन जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर बोला गया है वो रेन वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो जो है वो क्रिएट जो है वो नहीं कर सकते फ्लूइड कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है विल्टिंग ऑफ सीसो इज कॉज बाय, तो सीसो में जो है वो बिल्डिंग किस वजह से होती है ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। डालबेरगिया सीसो ये जो है इंडियन रोजवुड जो है वो प्लांट है जो कि रुबैसिया फैमिली में आता है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फुजेरियम सेलेन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट एनिमल इज द स्मॉलेस्ट, नीचे दिए गए में से जो है पॉर्कुपाइन ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो एनिमल होता है फॉरेस्ट के। ये बहुत छोटा होता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजरस होता है। ये अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसे टोकदार जो है इसके हेयर्स होते हैं, इसके जो है वो शार्प स्पाइंस होते हैं या फिर जो है इसे क्विल्स होते हैं जो कि इसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अदर एनिमल्स को जो है ये हार्म करते हैं जैसे कि डॉग्स वगैरह। और ये जो है ये किसी भी ट्री की जो झाल होती है उसे जो है वो खाते हैं, रूट्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं और ग्रासेस खाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ फायर अवे फ्रॉम द मेन फायर विच स्टार्टेड बाय फ्लाइंग स्पार्क इज कॉल्ड, तो एक ऐसी फायर जो कि मेन फायर से जो है वो दूर होती है लेकिन वो जो है वो फ्लाइंग की वजह से जो है वो पहुंच जाती है, तो उसे जो है स्पॉट फायर कहते हैं। और ये फायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अनकंट्रोल्ड फायर होती है, और ये जो है पूरी लीव्स ट्रेंस बाग्स इन सब को जो है वो पूरी तरह से जो है वो जला देती है, और ये 10 मीटर्स की भी हो सकती है और जो है ये 0.1 हेक्टर्स की भी हो सकती है। दोस्तों अगर आप जो है कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जैसे कि IPSC हो, UK SSC हो, HPPSC हो, NABARD एग्ज़ाम, GKSSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC हो, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, ICAR, TRF, ASRB नीट, ICAR नीट, फिशरीज एग्जाम, फॉरेस्ट्रीज एग्जाम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम, त्रिपुरा FSO, TNMRB FSO, TNPSC AAO, DSSSB SO हॉर्टिकल्चर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की EGM की, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एग्जाम, अदर एग्रीकल्चर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप जो है हमारा जो स्क्रीन पर दिए हुए ये सारी कोर्सेस है इनमें से कोई एक कोर्स जो है, या फिर अगर आपको जो है इनके अलावा कोई और कोर्स परचेस करना हो तो आप जो है हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर एग्रीकल्चर NGK वहाँ से जो है परचेस कर सकते हैं, या फिर जो है हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, और ये सारी कोर्सेज जो है वहाँ पर अवेलेबल है, प्लस इनके साथ जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो आपको बाहर से और कहीं से जो है वो टेस्ट सीरीज़ परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो है जल्दी से जल्दी इनमें से कोई भी एक कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारी जो चैनल है एग्रीकल्चर NGK इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।